बहुत से फीमेल्स हमारे पास ब्रेस्ट सर्जरी के लिए आती हैं और उनके पास दो ऑप्शन होती हैं। अगर वो क्या ब्रेस्ट सर्जरी कराएं, ब्रेस्ट को इंक्रीज कराने की सर्जरी, तो उसके लिए हम उनको दो ऑप्शन देते हैं, ब्रेस्ट इम्प्लांट और ब्रेस्ट फैट ग्राफ्ट। दोनों के अपने फ़ायदे, अपने अलग अलग फ़ायदे हैं। देखिए, जो ब्रेस्ट फैट ग्राफ्टिंग है वो सर्जरी हम उनको सजेस्ट करते हैं जिनकी ब्रेस्ट का साइज़ नॉर्मल होता है, ऐसे बहुत ज़्यादा छोटा नहीं होता और उनके पेट में एब्डोमेन में फैट होता है। ब्रेस्ट फैट ग्राफ्टिंग में फ़ायदा ये है कि नेचुरल है, आपने अपना ही फैट लिया और वो ब्रेस्ट में डाल दिया। लेकिन मैंने जैसे पहले भी वीडियोस में बताया है, फ़ायदा ये भी है कि जैसे जैसे आपका वेट बढ़ेगा तो ब्रेस्ट का साइज़ भी बढ़ेगा, क्योंकि ब्रेस्ट में जो फैट सेल्स हैं उनकी संख्या बढ़ेगी और वो ब्रेस्ट भी बढ़ती रहेगी, तो आप अपनी फिगर मेंटेन कर सकते हैं। नुकसान जो ब्रेस्ट फैट ग्राफ्टिंग का ये है, अगर बहुत छोटी ब्रेस्ट है आपके, पेट में फैट नहीं है, तो ब्रेस्ट फैट ग्राफ्टिंग नहीं हो सकती। और तभी बाद में अगर आप अल्ट्रासाउंड से स्कैन MRI कराते हैं ब्रेस्ट का, तो ये ब्रेस्ट में फैट दिखाई देता है। वो कोई घबराने की बात नहीं है, वो बिनाइन होता है, कोई नुकसान नहीं करता, लेकिन दिखाई देता है। पहले इसलिए बता रहा हूँ मैं आपको, ताकि आप जब भी ये प्रोसीजर कराएं, मान लो बहुत लोगों ने प्रोसीजर कराया, बाद में उन्होंने देखा कि आपके तो ब्रेस्ट में फैट दिखाई दे रहा है, उसकी गांठ दिखाई दे रही है या दिखता है, तो कोई घबराने की बात नहीं होती। यही ब्रेस्ट का फैट होता है जो वहाँ पर सेटल होकर दिखाई देता है आपको बाद में अल्ट्रासाउंड सिटी स्कैन MRI। अब बहुत से पेशेंट्स जो हैं वो ब्रेस्ट इम्प्लांट को चुनने से डरती हैं, ये सोच के कि नहीं फॉरेन बॉडी है, डर लाजमी भी है, या फिर वो कोई कैंसर ना कर दे, इस तरह की बातें ना कर दे। लेकिन ब्रेस्ट इम्प्लांट बहुत ज़्यादा सेफ है, फॉरेन बॉडी ज़रूर है लेकिन ये बिल्कुल इनर्ट है, यानी बॉडी के साथ रिएक्ट नहीं करता, कैंसर का कोई किसी तरह का भी खतरा नहीं होता इसमें। और ब्रेस्ट इम्प्लांट के जो रिजल्ट्स हैं वो बहुत शानदार हैं, बहुत अच्छे रिजल्ट देता है। इसमें जो निशान कट लग के इसमें अंदर चीरा लग के ब्रेस्ट इम्प्लांट अंदर जाता है, लेकिन उसका निशान लगभग ना के बराबर होता है, तो वो देखने में पता नहीं लगता कि आपने कहाँ से ब्रेस्ट इम्प्लांट कराया है। ब्रेस्ट इम्प्लांट रिलायबल है, सालों साल चलता है, 10 साल की गारंटी तो अच्छी कंपनीज देती हैं, जैसे हम अमेरिकन कंपनी का इम्प्लांट डालते हैं तो 10 साल की गारंटी वो देता ही देता है, लेकिन वो उससे ज़्यादा भी चल जाता है। इसके बाद बच्चे को फीड कराने में भी कोई इशू नहीं होता, ऐसा नहीं होता कि आपको बच्चे को फीड कराने में किसी तरह का कोई इशू हो, या नॉर्मल सेक्सुअल एक्टिविटी में भी इसमें कभी कोई डैमेज नहीं होती। बहुत सी फीमेल्स ये भी सोचती हैं कि इसमें अगर कभी चोट लग जाएगी, कुछ हो जाएगा, तो क्या ब्रेस्ट इम्प्लांट फट तो नहीं जाएगा, ऐसा नहीं होता। आप इनको बिल्कुल भी बहुत ज़्यादा मजबूत होते हैं कि किसी भी तरह से इनका रप्चर होने का, अगर ब्रेस्ट कोई धक्का लगा, कोई चोट लगी, तो इसको कोई फर्क नहीं पड़ता, ये इसी तरह से डिज़ाइन होता है। एयरपोर्ट में आप जा सकते हैं, वहाँ पे आपकी स्कैनिंग में इसका कोई आपको प्रॉब्लम नहीं आती, ऐसा नहीं है कि एयरपोर्ट में गुजरते वक्त इसमें कुछ आपको रुकावट आ जाएगी। अगर बहुत सी फीमेल्स ये सोच के भी इसमें डरती है। इस ब्रेस्ट इम्प्लांट या ब्रेस्ट फैट ग्राफ्टिंग की सर्जरी का ये भी फायदा होता है कि इससे आपका कॉन्फिडेंस बहुत ज़्यादा बूस्ट हो जाता है, आप देखते ही अलग नज़र आती हैं, आपकी फिगर अलग दिखती है दूसरों से। आप चाहे वेस्टर्न कपड़े पहने, चाहे आप साड़ी पहने, चाहे आप सूट पहने, आप अलग दिखाई देती हैं, आपकी ब्रेस्ट का उभार दूसरों से अलग दिखाई देता है, मोर यूथफुल लुक हो जाती है, मोर कॉन्फिडेंट लुक हो जाती है, और आप दूसरों का ध्यान अपनी ओर आकर्षित कर पाती हैं। सेफ सर्जरी है, ज़्यादा इसमें पेन नहीं होता, करा के आप अगले दिन अपने घर जा सकते हैं। बहुत से लोग सेम डे भी डिस्चार्ज कर देते हैं, लेकिन हमारी एडवाइस होती है अगर हम दूर से आए हैं तो एक रात को स्टे करें और नेक्स्ट डे अपने घर जाएं। इसमें जो टाके लगते हैं वो डिसोल्व हो जाते हैं, उनको आके कटवाने की ज़रूरत नहीं पड़ती, लेकिन एक दो बार आपको बैंडेज करानी पड़ती है, वो आप अपने घर के आसपास भी करा सकते हैं या हमसे करा के भी जा सकते हैं। बाद में आपको इसमें कोई ऐसा बहुत ज़्यादा रिस्ट्रिक्शन नहीं होती और एक महीने के बाद अपनी आप सेक्सुअल एक्टिविटी फॉलो कर सकते हैं। इसमें आपको बस ये बाद में हम ये कहते हैं कि कराने के बाद आपको कुछ दिनों तक स्पोर्ट्स ब्रा पहननी होती है, स्पोर्ट्स ब्रा से थोड़ा ताकि ब्रेस्ट को सपोर्ट मिलते रहे, और नॉर्मल ब्रा नहीं पहननी होती एक महीने तक, उसके बाद आप जो मर्जी ब्रा पहन सकते हैं। ब्रेस्ट इम्प्लांट में हम जो मर्जी साइज़ दे सकते हैं ब्रेस्ट का, जैसे मैंने अभी पीछे बताया था कि ब्रेस्ट का साइज़ होता है 38A, 32B, 32C, तो ये जो कप साइज़ होता है ये हम डिसाइड कर लेते हैं कि हमने किस कप साइज़ पे जाना है, या पेशेंट से पूछ लेते हैं कि उसकी एक्सपेक्टेशन क्या है, और उसी साइज़ के इम्प्लांट अवेलेबल होते हैं।
ब्रेस्ट फैट ग्राफ्टिंग में आधे से एक कप साइज ही बढ़ सकता है, उससे ज़्यादा नहीं बढ़ता। अगर उससे ज़्यादा बढ़ाना चाहते हैं तो आपको 6 महीने बाद दोबारा कराना पड़ेगा, क्योंकि ब्रेस्ट फैट ग्राफ्टिंग में एक लिमिट होती है जहाँ तक आप फैट ब्रेस्ट के अंदर डाल सकते हैं, उसके बाद फैट जाना बंद हो जाता है। तो 350-400 ml तक ही सेफ रहता है, उसके ऊपर ये सेफ डालना सेफ नहीं रहता और जाता भी नहीं है, वो बाहर निकलने जाता है। ये जैसे एक ग्लास में आप पानी भरते रहोगे तो एक लेवल के बाद वो बाहर निकलने लग जाएगा, इसी तरह ब्रेस्ट फैट ग्राफ्टिंग में होता है। तो ज़्यादातर हालांकि पेशेंट को एक ही सेटिंग की ज़रूरत पड़ती है, लेकिन जिनको बहुत ज़्यादा बड़ी ब्रेस्ट चाहिए उनको दोबारा भी वो आके करा सकते हैं। दोनों प्रोसीजर सेफ हैं, पेशेंट टू पेशेंट वेरी करते हैं कि उनकी क्या डिमांड है, हम दोनों को ऑप्शन दे देते हैं, फिर आप जो भी उसमें से सिलेक्ट करना चाहें आप सिलेक्ट कर सकते हैं। अगर इसके बारे में आपके कोई सवाल है तो आप हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं।